आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। दिवाली का ये पर्व आपके जीवन में सुख समृद्धि लाए, खुशहाली लाए, आपके प्रयासों से समाज के सभी लोगों के जीवन में समृद्धि आए, खुशहाली आए। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोटा स्टोन स्मॉल एसोसिएशन ने कई चर्चा बातों की है। ये बात भी सही है कि कोटा स्टोन ही एक ऐसा स्टोन है जो इस हाड़ोती के रामगंज मंडी और झालावाड़ के अलावा देश में कहीं ये पत्थर नहीं निकलता। सामान्य रूप से चाहे ग्रेनाइट हो, चाहे मार्बल हो, चाहे सैंड स्टोन हो, अलग अलग राज्यों के अंदर, अलग अलग जिलों के अंदर निकलते हैं, लेकिन कोटा स्टोन की पहचान कोटा से होती है और ये पहचान बहुत पुरानी है और इस सारे क्षेत्र में चाहे रामगंज मंडी हो, कोटा हो, चाहे झालावाड़ हो, बड़ी संख्या के अंदर लोगों ने इसकी इंडस्ट्रीज भी लगाई है और इस इंडस्ट्रीज के सहायक के रूप में हजारों लोगों के परिवार भी पलते हैं। लेकिन इस समय कोटा स्टोन के ऊपर एक संकट का दौर है। कोई भी पत्थर जब निकलता है तो उसके बारे में चर्चा होती है और धीरे धीरे उसका विकास और विस्तार होता है, लेकिन बदलती दुनिया है, नए नए दुनिया के आविष्कार हुए हैं। इस बदलते समय के अंदर कोटा स्टोन के माइंस और कोटा स्टोन के फैक्ट्री वालों ने इस बदलते परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से हम हमारे पत्थर की मार्केटिंग करें, इस पर बहुत गंभीरता से विचार नहीं किया। माइंस चलाने वाले माइंस चलाने में व्यस्त रहे, सामान्य रूप से पत्थर और कटिंग और फिर कुछ पॉलिशिंग का नया, कुछ नई तकनीकी से पॉलिश पत्थर कटने लगा, उसकी कट कटने लगा, कुछ पत्थर का उपयोग जो एक में होता था वो दो में, चार में होने लगा, लेकिन उसका बहुत लंबे समय तक कार्य योजना बनाकर सामूहिकता के साथ जो डिजिटल और नई मार्केटिंग करना चाहिए उसके लिए व्यापक प्रयास नहीं किए। मुझे पता भी नहीं कि कभी कोई व्यापारी ने, कोई माइंस वाले ने गंभीरता से इस बात पर मुझसे चर्चा की हो कि हम इसके लिए क्या कार्य योजना बना सकते हैं कि देश में हमारे पत्थर की ये क्वालिटी है, ऐसा पत्थर देश और दुनिया में कहीं नहीं है, ऐसा कोई बहुत गंभीरता से प्रयास नहीं हुआ। कुछ संकट जो तत्कालीन आते थे उस समय संकट के समय जरूर मिलते थे। एक संकट आया जब सेंचुरी बनी 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर का नोटिफिकेशन का सवाल था,
माइंस से बंद हो की थी, और वह भी माइंस जब बिल्कुल बंदी होगी, जब माइंस होल्डर आया उसके पहले कभी चिंता नहीं कि माइंस होल्डर, मतलब जब लगा कि अब तो बंदी हो जाएगी, जब वह आकर मुझसे मिला, मैंने उनसे कहा कि जब आपको पता था इसकी समय सीमा इतनी दी गई है, आप मुझसे पहले आकर मिलते तो आज स्थिति नहीं होती कि हमें इस काम को, अगर मानो कोई कारण से फॉरेस्ट विभाग है, वन विभाग है, कहीं एक भी कार्य अटक जाए तो बंद हो जाए तो कितने लोग बेरोजगार हो जाते। लेकिन अंतिम तारीख पे आए, जब लगा कि अब तो माइंस बंदी हो जाएगी, तब आकर मुझसे मिले। ठीक है, वह किसी भी तरीके से उनको बुलाकर प्रस्ताव को और गजट नोटिफिकेशन निकाला गया। उसके बाद मैंने कई बार कहा कि आप एक बार फर्दर चिंता करें कि किस किस सेक्टर के अंदर पहले कोटा स्टोन लगता था, किस सेक्टर के अंदर कोटा स्टोन को बंद कर दिया। लेकिन कल कोटा स्टोन के व्यापारी मुझसे मिलने आए थे कार्यक्रम के लिए, कोई काम के लिए आए थे, कार्यक्रम बुलाने के लिए। तो मैंने पूछा क्या क्या संकट है कि साहब आर्मी के अंदर भी हमें पता चला है कि कोटा स्टोन को रिप्लेस कर दिया है। तो मैंने कहा भाई इतने बड़ी इंडस्ट्रीज के सेक्टर के लोग हैं कुछ लोग, तो इस दिशा की ओर काम करना चाहिए कि किस किस तरीके से कहां कहां लगना चाहिए। खैर मैंने अधिकारियों को बुलाया, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को बुलाया, सीपीडब्ल्यू के डीजी को बुलाया। मैंने कहा भाई जितने भी रेलवे स्टेशन है वहां किसी समय कोटा स्टोन लगता था, और कोटा स्टोन का कोई विकल्प नहीं है, आप आगे से इसका स्टैंडिंग ऑर्डर निकालें कि कोटा स्टोन ही लगे। उन्होंने कहा साहब कोटा स्टोन ही लगेगा, कहीं लगेगा तो आप हमें बताना। सीपीडब्ल्यू वालों से ही कहा मैंने, कहा जहां जहां भी सरकारी बिल्डिंग बनती है आप उस पत्थर की क्वालिटी को देखो, एक ऐसा पत्थर है जिसकी चमक कभी नहीं होती, क्योंकि दुनिया के अंदर लोग जल्दबाजी में, इसलिए जो आर्किटेक्ट होता है वो भी कोशिश करता है कि मैं जल्दी काम को फिनिश करूं, तो टाइल्स लगाता है, टाइल्स शुरू में सुंदर नजर आती है। अब तो टाइल्स से हटके भी नया जमाना आ गया कि मार्बल ग्रेनाइट ही आर्टिफिशियल बनने लगे, समय यहां तक आएगा, आगे और समय कहां आएगा। इसलिए समय के बदलाव के साथ हमें चिंता करने की आवश्यकता है। आपकी इंडस्ट्रीज, आपकी माइंस जब चलेगी, जब आपकी डिमांड होगी, अगर डिमांड नहीं होगी तो बहुत बड़ा संकट आएगा। आप में से कुछ लोग प्लान करें, कार्य योजना बनाएं, आप जहां भी कहेंगे, जिस सेक्टर में कहेंगे, आप निश्चित माने आपके पत्थर के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। आजकल तो लोग नेट पर देखते हैं किसी के बारे में, कोटा स्टोन की शख्सियत सब लोग मिलकर भी प्लान करें डिजिटल तरीके से, कोटा स्टोन की क्या शख्सियत है, तो शायद मुझे लगता है कि पहले हमारा प्लान होना चाहिए जिस शहर में कोटा स्टोन निकलता है वहां पर हम कोटा स्टोन का प्रदर्शन कैसे करें, कि कोटा स्टोन जब कोटा में आए कोई तो कोटा स्टोन की उसको झलक नजर आए कि ये कोटा स्टोन है, इसकी ये क्वालिटी है। हम जानते हैं, आप जानते हैं कि इससे बढ़िया पत्थर कुछ नहीं हो सकता। आज सैंड स्टोन जो कभी भी सोच भी नहीं सकते थे, वे आज दुनिया के बाजारों में सैंड स्टोन एक्सपोर्ट हो रहा है। आप कह रहे हो कोरोना के अंदर संकट आया, मुझे कोरोना के अंदर ही सबसे ज्यादा सैंड स्टोन का एक्सपोर्ट हुआ। और जो कमाने वाले ने कहा कि मैंने जितना पैसा नहीं कमाया उतना कोरोना के समय ही दुनिया के अंदर लोगों ने कंस्ट्रक्शन का काम किया और किया। और कोटा स्टोन का कोई मुझे व्यापारी नहीं मिला जिसने कहा कि हमारा कोटा स्टोन में इस देश के अंदर हम एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि कोटा स्टोन की एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी संभावनाएं अभी भी है। इस विषय पर अपन को एसोसिएशन का काम यही है, इस तरीके की प्लानिंग करें, उसके प्रमोशन करें। आजकल दुनिया हर काम के मार्केटिंग की है,
कौन कितना बेहतरीन मार्केटिंग करता है उतनी उसकी डिमांड बढ़ती है। हमें उस मार्केटिंग के बारे में चर्चा करना चाहिए, माइंस होल्डर बैठना चाहिए, फैक्ट्री वाले बैठना चाहिए और एक प्लान बनाए कि किस तरीके से हम हमारे पत्थर की जो क्वालिटी है सही में उसकी देश और दुनिया के अंदर मार्केटिंग करें, ताकि डिमांड पैदा होगी तो आप माइंस वालों को भी ठीक पैसा मिलेगा और इंडस्ट्रीज भी चलेगी। लेकिन एसोसिएशन के लोग भी मिलते हैं तो एक रोड दो रोड के बारे में चिंता रहती होगी। अब वो रोड के बारे में मैंने कहा इसका टू व्हीलर रोड बना दूं, तो हमारे नेताजी मेडल तो आके फोर लाइन बनाओ, लाइट भी लगे। अब आप बताएं किसी भी एनएचआई जो होता है नेशनल, वो तो बनता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है उसको, बाकी अंदर के रोड थोड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। आप रामगंज मंडी के रोड को कहोगे एनएचआई को बना दो, हमारे सलाहकारों को मैंने समझाया इसको टू व्हीलर बना दू सेंटर रोड फंड से, नहीं नहीं फोर लाइन ही बनना चाहिए, वेट करो फोर लाइन का, अब कह रहे हैं टू व्हीलर बना दो। आप निश्चित रहे जब भी होगा, एमएलए साहब से मैंने कहा है इसका, क्योंकि बीच में जो इतने सारे मकान बन गए उन मकानों को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, और वो मकान जब टूटते हैं जब एनएचआई बनाए उसके पास फंड की कमी नहीं होती, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास उसके पास व्यापक फंड होता है तो मुआवजा दे सकता, राज्य सरकार का एक सीमित संसाधन होते हैं, उन सीमित संसाधनों के अंदर अब शहर के अंदर तो नगर विकास न्यास की जमीन बेच दो और लगा दो पैसे, यहां किसकी जमीन बेच के लगाओगे आप, यहां तो सरकार के भरोसे है। और कोई भी ऐसा प्रस्ताव जो केंद्र से होने वाला है उस प्रस्ताव की मेरी जिम्मेदारी जिस दिन जाएगा उसके 10 दिन में प्रस्ताव क्लियरेंस करा दो। लेकिन ये प्रस्ताव भी जो अभी बापना जी ने बताया कि कभी मुझे किसी ने बताया नहीं, अगर ऐसा कोई प्रस्ताव पेंडिंग भी पड़ा होगा पुराने समय में तो मुझे बता देना, लेकिन वो जमाना बदल गया, 10 साल उसकी फाइल कहां होगी मेरी शायद में, फिर भी आप मुझे बताना। आपने जिस दिन गजट नोटिफिकेशन का वह मैंने तय सीमा के अंदर बिना सुनवाई के गजट नोटिफिकेशन निकाल दिया था, आप सुनवाई आप करने लगते तो आपको लगते 6 महीने। इसी तरीके से ये फॉरेस्ट का जरा सा टुकड़ा है, उस टुकड़े के अंदर भी क्योंकि क्या होता है सब प्रस्ताव राज्य सरकार भेजती है, राज्य सरकार भेजती है 1 हेक्टेयर से ज्यादा प्रस्ताव को डायवर्जन करने के लिए। उसमें जो प्रस्ताव में मैंने देखा कि प्रस्ताव की के आधार पर ये निमराना रोड की स्वीकृति नहीं मिली है, मैं दोबारा इसका अध्ययन कराऊंगा कि ये टुकड़ा बचा हुआ है उसका क्या विकल्प रास्ता निकलता है। अगर कोई कारण होगा तो राज्य सरकार से भी चर्चा करूंगा और राज्य सरकार के प्रस्ताव भेजाकर उसके समाधान। आप ये मानिए, निश्चित मानिए कि हमें आपने भेजा है इस जिम्मेदारी के साथ कि हम आपकी बातों का रिप्रेजेंट करें। हमारे विधायक जी हैं विधानसभा के अंदर अपनी बात कहते हैं, जितनी जोर से उतनी जोर से बात कहते हैं। देश के अंदर लोकतंत्र की ये संस्थाएं जनप्रतिनिधि चुनकर भेजती है उनकी आवाज बनने के लिए, और उनकी आवाज बनते हैं विधानसभा के अंदर। मैं आपकी आवाज लोकसभा में, मैं लोकसभा में बोल नहीं सकता, सुन तो सकता हूं, तो निश्चित रूप से मैं यहां सुन लेता हूं आपकी बात को। लेकिन आप निश्चित मानिए हम चाहते हैं कि चाहे कोटा रामगंज मंडी का धनिया हो, चाहे कोटा का कोटा स्टोन हो, आप प्लान करें 20 सालों के अंदर किस किस विभाग में कितना कितना पत्थर लगता था, अब क्या क्या वहां पर कमी हुई है। जिस विभाग में आप बताओगे आप बना के आ जाना, उस विभाग के मंत्री जी को बुलाऊंगा, उनके अधिकारियों को बुलाऊंगा, उसी दिन डायरेक्शन दिलाऊंगा कि पहले से ज्यादा पत्थर खरीदेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी। लेकिन ये आपको
अध्ययन करना पड़ेगा कि कौन कौन सी जगह पत्थर लगता था, कितनी डिमांड का पत्थर लगता था। फिर हमारे जितने भी दुनिया भर के एक्सपोर्टर हैं, उन एक्सपोर्टरों से हमें चर्चा करना चाहिए, वहां पे कोटा स्टोन को दिखाना चाहिए, उसकी क्वालिटी दिखाना चाहिए, क्योंकि केवल हमें स्थानीय उत्पादकों या स्थानीय खपत के अलावा हमें नेशनल इंटरनेशनल भी एक दो देश भी हमारी पकड़ में आ गए ना, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी कोटा स्टोन की, इतनी डिमांड हो जाएगी। लेकिन उसकी मार्केटिंग करने के लिए प्लान करना पड़ेगा, ये कार्य योजना बनाए, जो कोटा स्टोन की और जो भी समस्याएं, जिस तरीके की समस्याएं मेरे स्तर पर होगी, उस समस्या का समाधान निश्चित रूप से होगा। मेरी पूरी कोशिश होगी, जो संभव हो सकता है वो निश्चित होगा, जो असंभव हो सकता है उसका विकल्प नहीं, और जो असंभव है मतलब हो नहीं सकता वही संभव है, बाकी तो क्या संभव है, हमसे नहीं हो सकता तो किसी से नहीं हो सकता। तो आप बताएं कि किस किस तरीके से हम कोटा स्टोन के पत्थर का देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से इसकी डिमांड पैदा कर सकते हैं। जो आपने रोडों की जो बातें बताई है, हमारी कोशिश होगी कि हम प्लान कर रहे हैं कि जितने भी ये अंदर रामगंज मंडी के रोड हैं उनको हम NHAI से कनेक्ट कर दें। भारतमाला 2 के अंदर मैंने कहा है कि प्रपोजल बनाए कि जितने भी रामगंज मंडी के माइंस का इलाका है, रामगंज मंडी का इलाका है, अन्य इलाके जो कट आउट हो सकते हैं, उसको हम जितने भी आपके दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर से और दूसरा जो कॉरिडोर है उससे, हर कॉरिडोर से उसको जोड़ देंगे, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन रोड कनेक्टिविटी भी एक साधन है, पर रोड कनेक्टिविटी से बेटर है कि आप इसकी डिमांड के लिए प्लान करना पड़ेगा। मुझे बहुत चिंता रहती है कोटा स्टोन की, मैं लगातार देख रहा हूं जिस तरीके से टाइल्स का चलन बढ़ रहा है, वह हर पत्थर के लिए चिंताजनक है, चाहे कोटा स्टोन हो चाहे सैंड स्टोन हो। अब किसी जमाने में सैंड स्टोन की पट्टियां डलती थी, अब जमाने खत्म हो गया, अब सब गांव के अंदर भी आग से डलती है, तो लोगों के पास समय कम है, तो समय कम होने के कारण वह हर आदमी कंस्ट्रक्शन को जल्दी काम करना चाहता है। हमारे यहां भी हमें कोशिश करना चाहिए कि हम क्या बेहतर और प्रोडक्ट बना सकते हैं कोटा स्टोन का, उस बारे में भी हमारा रिसर्च होना चाहिए कि हम टाइल्स स्टाइल में भी कोटा स्टोन बनाए कि जाते ही लगा दे हुए, क्योंकि लगाने के अंदर इस समय बहुत कहता है, इतनी देर में एक दिन में इतनी टाइल्स लगाता है कि वो 10 दिन में पत्थर लगता है, तो वो भी आदमी आजकल बहुत जल्दी में ना सोचता है, कंस्ट्रक्शन हो तो जल्दी से मकान का कंस्ट्रक्शन हो, इन सब के लिए चिंता का विषय। लेकिन आप निश्चित रूप से रहें, हम आपकी बीच में इसलिए आते हैं कि यहां की भावनाओं को समझें, यहाँ की समस्याओं को समझें, यहाँ की कठिनाइयों को समझें, और उसके क्या समाधान हो सकते हैं, क्या विकल्प हो सकते हैं, उस पर विचार करें और उसका समाधान करें। मुझे आशा है कि अगली बार जब मैं पार्लियामेंट चलेगी तो आप लोग आएंगे दिल्ली के अंदर, कुछ योजना बनाकर आएंगे तो उस पर चर्चा करेंगे वहां बुलाकर, और अच्छे परिणाम आए इसका प्रयास करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।